प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमेन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार। योहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाए। बजाएंगे है यीशु मसीह
गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, बताएंगे है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। शुभ संदेश टीवी चैनल पर जीवन जल के हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले आप सभी प्रिय भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह में बड़ी विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, पिछले दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए उन 7 पदों का अध्ययन कर रहे हैं जिन्हें यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा ने यूहन्ना, जो प्रभु का चेला था, जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते थे, उसके द्वारा इन 7 पदों को आपके और मेरे लिए लिखाया है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, सबसे पहले हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। तीसरा पद जो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में पढ़ते हैं वह है, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। चौथा पद उसी अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और पांचवा पद जिसका हमने पिछली बार अध्ययन पूरा किया वह था यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। प्रियो, आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय के 6वें वचन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए उस 6वें पद को अध्ययन करेंगे। आइए उस वचन को पढ़ें। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम इस पद को पढ़ते हैं तब सबसे पहले हमें इस पद के पृष्ठभूमि को देखना है। इसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को, प्रभु यीशु मसीह के प्रावधान को और प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य को इस वचन के द्वारा अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 6वें वचन में, जहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, उस पद के पृष्ठभूमि को देखें। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में उस आखिरी फसह के पर्व को मनाने के लिए आए हैं, जिसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपनी कलवरी की क्रूस की यात्रा को शुरू करेंगे। इस फसह के पर्व के मनाते समय जब हम लूका रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा समय आ चुका है। उसका समय आ चुका था कि उसके दुख उठाने के द्वारा हम उद्धार पा सकें, उसके कलवरी के क्रूस के बलिदान के द्वारा आप और मैं उद्धार पा सकें।
यह एक बहुत कठिन समय था और ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह उस ऊपरी अटारी में अपने चेलों के साथ थे। प्रभु यीशु मसीह ने उस ऊपरी अटारी में काफ़ी समय अपने चेलों के साथ बिताया, जहां हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। चेलों का पैर धोना आपके लिए और मेरे लिए एक बहुत ज़रूरी पाठ है। प्रियो, आप और मैं जो उद्धार पाते हैं, हमने अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दिया, हमारा स्नान हो चुका है। अब हम जब भी प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, अर्थात अब से हमारा जीवन भर हमें अपने पैर धोना है। जिसने नहा लिया उसे सिर्फ पैर धोना है। जो अपना स्नान न करे और जो सदा अपना पैर न धोए, उसका प्रभु यीशु मसीह के साथ कोई भाग ना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पैरों को धोने का अर्थ है वचन के जल के स्नान से हम अपने आप को शुद्ध करें, अर्थात हम सदा अपने आप को परखते रहें, अपने कमियों को जांचते हुए परमेश्वर के पास क्षमा याचना के साथ उसके सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करें। जब हम पाप में पड़ जाते हैं, अपने ही अभिलाषाओं से खिंचकर फंसकर हम पाप करते हैं, तब हमें प्रायश्चित मन के साथ प्रभु के पास आकर क्षमा याचना करना है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह धर्मी और न्यायी है और वह हमारे पापों को क्षमा करता है। यीशु का लहू सब पापों को शुद्ध करता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, पैरों के धोने का अर्थ, जिसका उद्धार हुआ है उसे अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में एक पवित्रीकरण का जीवन जीना है। आगे जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने कलवरी के क्रूस की यात्रा के विषय में चेलों से बातें कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अब मैं जाने पर हूँ, जिसके विषय में 13वें अध्याय के आखिरी पदों में पतरस प्रभु यीशु मसीह से पूछता है, हे प्रभु तू कहाँ जाता है? उसका उत्तर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय पहले वचन से हम पढ़ना शुरू करें। पहले वचन में हम पढ़ते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। इस पद में प्रियो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के व्याकुलता को जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब से प्रभु यीशु मसीह गलील से निकलकर यरूशलेम आए हैं, पूरे मार्ग में जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में उस प्रकटीकरण को बताया जिसे पिता ने उसके हृदय में रखा था, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से पूछा मार्ग में, तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूँ? तब चेलों ने बताया, कुछ लोग कहते हैं कि तू भविष्यद्वक्ता है, कुछ कहते हैं तू वो है जो आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा, तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूँ? तब पतरस ने कहा, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस और चेलों को बताया कि कलीसिया, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने लगातार उन्हें अपने कलवरी की क्रूस की मृत्यु के विषय में चेलों को बताया। और अब इस ऊपरी अटारी में प्रभु यीशु मसीह दोबारा उसी बात को कह रहे हैं। चेले बहुत व्याकुल हैं। प्रभु से दूर होना, आगे के अनिश्चितता के समय के विषय में बड़े ही व्याकुल हैं। ऐसे व्याकुलता के समय में प्रभु यीशु मसीह चेलों से कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कलवरी की क्रूस की मृत्यु वह आपके और मेरे उद्धार के निमित्त है। चेले ये नहीं समझ पा रहे, हमारे भी जीवन में परमेश्वर के कई कार्यों को हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हमें व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। यहाँ उद्धार के विषय में हम
निश्चिंत होते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के उस कलवरी के क्रूस के बलिदान के द्वारा हमारे प्राण, हमारा आत्मा, हमारा यह शरीर प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है। मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन प्रभु के आगमन पर उद्धार पाए हुए हरेक विश्वासी को एक महिमा का देह मिलेगा। प्रियो, यह विनाशी अविनाशी को धारण करेगा और हम स्वर्ग के वारिस हैं, स्वर्ग में प्रभु के साथ सदा काल के लिए रहेंगे। इन आश्वासन के विचारों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। और आगे जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। पिता का घर अर्थात स्वर्ग। पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। प्रियो, स्वर्ग में संपूर्ण मनुष्य जाति सारे स्वर्गदूतों के साथ समा सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य जो पापी है वह स्वर्ग में कैसे प्रवेश करे। पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में एक पापी मनुष्य का प्रवेश नहीं हो सकता है, इसीलिए स्वर्ग में एक पापी मनुष्य का प्रवेश नहीं है। ऐसे में प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस की मृत्यु के विषय में यहाँ चेलों को बताते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह जो कलवरी के क्रूस के ऊपर अपना बलिदान करते हैं, उनके लहू के द्वारा प्रभु जो पिता की उपस्थिति में प्रवेश करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में हम भी स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करते हैं। पुराने नियम में हम देखते हैं कि महायाजक वर्ष में एक बार प्रायश्चित के दिन वह पहले अपने लिए एक बकरे के बलि के द्वारा प्रायश्चित करता, उसके बाद वह सारे इसराइल के लिए प्रायश्चित करता। उस बछड़े के लहू को लिए हुए उस अति पवित्र स्थान में जहाँ पर परमेश्वर का संदूक होता, वहाँ वर्ष में एक बार ही प्रवेश करता, लेकिन उसके बाद अगले वर्ष उसे दोबारा वहाँ प्रवेश करना होता। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुआ आपके लिए मेरे लिए, उस कलवरी के क्रूस पर एक ही बार बलिदान हुआ और एक ही बार उसके बहाए हुए लहू को लिए वह अति पवित्र स्थान में अर्थात परमेश्वर पिता की उपस्थिति में स्वर्ग में वह प्रवेश किया है। उसके द्वारा हम भी आज स्वर्ग में प्रवेश पाए हैं। स्वर्ग में हमारे लिए प्रवेश है। परमेश्वर पिता के उस घर में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जगह तैयार की है। आगे जब हम तीसरे वचन को पढ़ते हैं, हम देखते हैं, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। कितना सुंदर यह आश्वासन है। जो सच्चा परमेश्वर है, जो परमेश्वर पुत्र है, यह उसका अभिवचन है कि मैं जगह तैयार करने जाता हूँ। जगह है इसीलिए तैयार करने जा रहा हूँ। यदि जगह न होता तो मैं तुमसे पहले ही कह देता, लेकिन अब मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा। प्रभु की बड़ी इच्छा है कि वह अपने बहाए हुए लहू के द्वारा मोल लिए गए आप, मैं, सभी उद्धार पाए हुए विश्वासियों के साथ वह सदा रहे। वह चाहता है कि हम उसके साथ सदा रहें। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, क्या आपकी और मेरी भी लालसा है कि हम प्रभु के साथ सदा रहें? इस संसार में हम परदेसी हैं, इस संसार में हम यात्री हैं, और यात्री का ही जीवन हमें यहाँ जीना है। चौथे वचन में हम पढ़ते हैं, जहाँ मैं जाता हूँ
वहां का मार्ग तुम जानते हो। तोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते तू कहां जा रहा है तो मार्ग कैसे जाने। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जिस जगह पर जाने की बात कही, जिस जगह के तैयारी की बात कही, और फिर हमें आकर उसके साथ रहने के लिए जिस जगह वह ले जाने वाला है, उस जगह की जब बात कही तो प्रभु ने यह भी कहा कि मार्ग, तुम वहां का मार्ग जानते हो। प्रभु के चेलों में से एक ने, तोमा ने तुरंत पूछा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है तो हम कैसे जाने कि मार्ग कौन सा है। प्रियो, कितना दुखद यह विषय है कि प्रभु के साथ रहते हुए भी प्रभु के चेले ये नहीं जान पा रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह उस स्वर्ग के विषय में, आपके और मेरे उद्धार के विषय में बातें कर रहे हैं। कैसे ये चेले मार्ग के विषय में समझ पाते, वे नहीं समझ पाए। यदि हमें मार्ग को जानना है तो सबसे पहले हमें लक्ष्य को जानना जरूरी है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग क्या है तभी हमें पता चलेगा। यदि हमारी दृष्टि लक्ष्य की ओर न हो तो हम मार्ग कैसे जानेंगे। मुझे जाना है दिल्ली और मुझे मालूम ही ना हो कि मुझे दिल्ली जाना है तो मैं कौन सी बस चढ़ूं, कौन से ट्रेन में चढ़ूं, किस रास्ते में चलूं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, क्या आपको आपके जीवन का लक्ष्य मालूम है? मनुष्य इस जीवन में अपने लिए कई लक्ष्य बनाकर रखता है। बच्चे जब पैदा होते हैं हम चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई एक उत्तम से उत्तम स्कूल में हो। उसके लिए हम बहुत पैसा भी बचा कर रखते हैं ताकि उनके फीस में कोई भी कमी ना हो। हम बहुत प्रयास करते हैं कि अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दें। कई माता पिता यह चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर बने, उनके बच्चे इंजीनियर बने, उनके बच्चे IAS ऑफिसर बने। हमने अपने बच्चों के लिए अपनी ओर से लक्ष्य रख दिए, बच्चे अपनी ओर से अपने लिए लक्ष्य रख देते हैं। यह सारी बातें तो इस संसार के लिए ठीक है, आपके और मेरे जीवन के लिए, अपने बच्चों के जीवन के लिए क्या हमने आत्मिक लक्ष्य रखा है? मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यदि हमने आत्मिक लक्ष्य नहीं रखा है तो इस आत्मिक जीवन की यात्रा में हम वही खड़े हैं जहां हम पैदा हुए थे तब से हैं। प्रियो, क्या आप जानते हैं कि आपको कहां जाना है? इस जीवन की यात्रा के अंत में दो ही जगह हैं, या तो है स्वर्ग या है नर्क, या है परमेश्वर की उपस्थिति, या फिर वो जगह है जहां परमेश्वर की उपस्थिति से दूर किए गए लोग हैं। दो ही लक्ष्य हैं, इनमें से आपने किसको चुना है? आपने यदि स्वर्ग को चुना है, सभी चाहते हैं कि स्वर्ग को जाएं, तो उस जगह जाने का मार्ग कौन सा है? तोमा ने वही पूछा। और जब तोमा ने पूछा कि हम मार्ग कैसे जाने, उसका उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने छठवें वचन में दिया। छठवें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। इस पद में सबसे पहला विषय जो हम देखते हैं वो है लक्ष्य, हमारा गंतव्य, हमारा वह स्थान जहां हमें आखिरी में पहुंचने की आशा रखना है, वह है मेरे पिता के पास। छठवें वचन में हम पढ़ते हैं, पिता के पास, जो पिता के पास होगा वह स्वर्ग में होगा। स्वर्ग लक्ष्य नहीं, लेकिन पिता की उपस्थिति हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जो पिता की उपस्थिति में ना होगा वह नरक में होगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, पिता के पास पहुंचने के लिए एक ही मार्ग है। प्रभु कहते हैं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बिना मेरे द्वारा अर्थात प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई भी मार्ग नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य पिता के पास पहुंच सके। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन,
तो माने तो सिर्फ मार्ग के विषय में पूछा, लेकिन प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जब मार्ग हमें ना मालूम हो तो उस मार्ग पर चलने का सत्य हमें मालूम ना होगा, और मार्ग और सत्य का अनुकरण करते हुए जीवन को प्राप्त करना हमें मालूम ना होगा। प्रभु का हम धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें इस जीवन में चुना है ताकि हम आज उसके सुसमाचार के वचनों को सुन सकें। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो इतना जरूर समझ लें कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु को ग्रहण किए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु के बिना कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता। ऐसे में मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यह वचन हमारे लिए कितने गंभीर हैं कि प्रभु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। आने वाले दिनों में हम इन्हीं पदों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को, प्रभु यीशु मसीह के प्रावधान को और प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य को सीखने का प्रयास करेंगे। आइए प्रियो, तब तक हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके उस बड़े अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज शुभ संदेश टीवी चैनल पर जीवन जल के हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी भाई बहनों को आपने उपस्थित किया। पिताजी, आपने मार्ग हमें दिखाया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा उद्धार है ये समझाया। जिन भाई बहनों का उद्धार हुआ है उनके जीवन के लिए धन्यवाद, और जिनका उद्धार नहीं हुआ उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिताजी, आप भी उनसे बातें करें, उनके हृदय में प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान दे ताकि वे प्रभु को ग्रहण करके उद्धार पा सकें और एक बड़ा आनंद तेरी उपस्थिति में मनाया जा सके। सारी बातों में आप बड़े, हम घटे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में प्रार्थना विनती करते हैं पिताजी, आमेन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इन विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता, जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 08992580744। इस नंबर पर अपना नाम और पता दर्ज कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 02222422842। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस jeevanjaltv@youtube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 को और शनिवार रात 9 बजे को इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।